परासिया के चांदामेटा पुलिस द्वारा गुरुवार देर रात एक जुआफड़ पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 जुआरियों सहित 1,00,000 रुपए नगद सहित 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन में परासिया SDOP जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इकलहरा में नारायण साहू के खेत में बबूल के पेड़ के पास ताश के पत्तों पर रुपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी परासिया और थाना प्रभारी चांदामेटा को सूचना से अवगत कराते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस स्टाफ को लेकर रेड मारने की कार्यवाही की गई, जिसमें 7 आरोपियों को घेराबंदी कर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी सहित 52 ताश के पत्ते, 7 नग मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 1,60,000 रुपए है, एक स्कूटी यामाहा फसीनो कंपनी की हरे रंग की जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर MP28SG9811 अंकित है जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए है। इस प्रकार पुलिस ने कुल जमला रकम 3,30,630 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण टीम को पुरस्कार करने की घोषणा भी की गई है। MP News Live के लिए जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास रिपोर्ट।